कुरुक्षेत्र बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम में राजेंद्र जुनेजा के सर पर इस बार प्रधान का ताज सजा है। राजेंद्र जुनेजा ने 600 वोट हासिल किए जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी गुरतेज सिंह सेखों को 410 वोट मिले। इस प्रकार उन्होंने 190 वोटों से जीत हासिल की। प्रधान पद के लिए डाले गए वोटों में एक वोट नोटा और 13 वोट रद्द हुई। इस प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए राजेंद्र जुनेजा पैनल के ही अनिल महला ने 546 वोट हासिल किए जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी अशोक बारना को 446 वोट मिले। इस प्रकार अनिल महला 100 वोटों से जीतकर बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के उपाध्यक्ष बने हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए डाले गए वोटों में 18 वोट नोटा के पक्ष में और 14 वोट रद्द हुई। इसी प्रकार महासचिव पद के लिए राजेंद्र जुनेजा पैनल के ही विक्रम शर्मा को 648 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंदी मुनीश शर्मा को 351 वोट मिले। इस प्रकार विक्रम शर्मा 297 वोटों के अंतर से जीतकर महासचिव बने। महासचिव पद के लिए डाली गई वोटों में 11 वोट नोटा के पक्ष में और 14 वोट रद्द हुई। इसी प्रकार सहसचिव पद के लिए विजयी उम्मीदवार तनुज सैनी को 638 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी रमेश नांदल को 338 वोट मिले। इस प्रकार वे 300 वोटों के बड़े मार्जिन से जीतकर सहसचिव बने हैं। सहसचिव पद के लिए हुई वोटिंग में 29 वोट नोटा के पक्ष में जबकि 3 वोट कैंसिल हुई। इसी प्रकार कैशियर पद के लिए राजेंद्र जुनेजा ग्रुप के ही साहिल मंगला 510 वोट लेकर विजयी हुए हैं। उनके प्रतिद्वंद्वी सचिन बंसल को 300 वोट मिले जबकि बजरंग शर्मा को 187 वोट मिले। नोटा के पक्ष में 15 वोट पड़े और 12 वोट रद्द हुई। साहिल मंगला 210 वोटों के अंतर से जीतकर बार एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के कैशियर बने हैं। राजेंद्र जुनेजा पैनल के उम्मीदवारों की जीत के साथ ही जश्न का माहौल देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने नए प्रधान को फूल मालाएं पहनाकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर ढोल नगाड़ों के साथ लड्डू बांटकर जश्न का माहौल देखने को मिला। राजेंद्र जुनेजा ने अपनी जीत का श्रेय पूरी बार काउंसिल को दिया। उन्होंने कहा कि वे सभी अधिवक्ताओं का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने उनके पैनल पर अपना विश्वास प्रकट करते हुए उन्हें बड़े मार्जिन से जीत दिलाई। वे सभी अधिवक्ताओं की उम्मीदों और विश्वास पर खरा उतरेंगे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा और प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।